कि आप ये देखिए कि जब आप आगे बढ़ रही होती हैं, आप काम करती हैं और बहैसियत एक औरत, एक लड़की, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे लगते हैं, बहुत सारे लोग आपके किरदार उछालते हैं, आपके ऊपर बातें करते हैं। हमें इन चीज़ों से दरगुजर करते हुए हम आगे गुजर जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कालू सलामन, कि तुम पे सलामती हो, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्द दिया। आप देखें कि आपकी रोज मर्रा रोटी, आप जितने इदारों से मुंसलिक हों, जितने बिजनेस से आगे बढ़े, तो अच्छे लोगों के साथ साथ आपको बुरे लोग भी मिलते, लेकिन आपका सब्र, आपकी हिम्मत, आप पे कोई भी बात कोई करे तो सबसे बड़ी चीज है कि खामोशी और दरगुजर। जो लोग आप पर एक उंगली उठाते हैं, हदीस में अल्लाह की तरफ से उनके तीन उंगलियां उठाई जाती हैं। आप मैंने एक जगह पढ़ा कि हिंदुस्तान में जब किसी की रूह नहीं निकलती थी तो वो कहते थे कि पढ़ो वो, यानी उसे कलमा पढ़ाते थे कि इसके लिए आसानी हो। तो हमारा हमने अपने आप को मिसाल बनाना है। हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, जिन फितनों से गुजर रहा है, हमें अपने आप को अपने दीन पर रखते हुए इन फितनों का मुकाबला करना है। सनम पर, उनकी आर पर, खत्म नबूवत पर, और एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ मुसलमान, हम सबको ये चीज़ लेके आगे चलनी होगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की, इन्हें हमें अपनाना होगा। बहुत बड़ी नहीं, आप बहुत बड़ी चीज़ में ना जाएं, आप सिर्फ चंद छोटी चीज़ों में लें। नबी पाक से लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप ये देखिए कि जादू बरहक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, लेकिन उसका तोड़ भी अल्लाह ने बताया। सूरह नास, सूरह फलक, ये जाली पीरों बाबों के पास आपको बिल्कुल ना जाना। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा नमाज और आपका कुरान है। अगर हम इस चीज़ को पकड़ लें तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का इलाज कुरान पाक में मौजूद है, हमारे पास तो हर चीज़ मौजूद है। आप ये देखिए, कल मैंने एक हदीस पढ़ी जो मैं आपको सबको बताना चाहूँगी कि बात बड़ी छोटी सी है कि हम जिस वक्त बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में बड़े बड़े हम लोगों ने शीशे लगाए हैं, उसमें ये था कि आप बाथरूम में जाएं और अपने बच्चों को बताएं कि बाथरूम में ये बड़े बड़े शीशे हटा दें, इनसे क्या असरात आते हैं। मैं हेल्प करी, छोटी छोटी बातें अगर आप देखें जिन पर साइंस रिसर्च करती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। सबसे बड़ा हमारा ईमान, हमारा पर्दा, इस्लाम में औरत को मुकाम हासिल है वो पूरी दुनिया में कहीं औरत को नहीं, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की सूरत में। सबसे पहली जो हमारी एंटरप्रेन्योर थी, उन्होंने तिजारत हमारे लिए एक रोशन नमूना है हर मामले में। आप ये देखिए कि हम अपने अमल को अपने मजहब से दूर अगर कर देंगे तो हमारे लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा होंगे। हमारी हर अमल का दारोमदार हमारी नियत, हमारे मजहब पर है। लास्ट ईयर की जब ये महफिल थी यहाँ पर, तो मैंने इन लोगों से कहा था कि एहसास ही नहीं हो रहा कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, और उस दिन यहाँ पर शदीद ठंड थी और हमें एहसास ही नहीं था कि क्या माहौल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो, उनका जिक्र खैर हो, तो कहते हैं कि वहाँ पर फरिश्ते आते दुरूद शरीफ पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम लोगों के लिए, औरतों के लिए, वो हर एक उनके उन्होंने बताया कि बेटी के साथ क्या सलूक है, बीवी के साथ क्या सलूक है। हमारे जो अमल हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारी हकूमती मामला, उसमें एक रोशन नमूना है। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो आप सबसे पहले देखें कि उसका कुरान पाक में जिक्र है, उस
का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किस चीज का जिक्र आता है, सहाबाए कराम की जिंदगी में जिक्र आता है, अगर नहीं आता तो वो बिदअत है। और हमें अपने हर अमल से प्रूव करना है कि हमने अपनी जिंदगी में बिदअत को नहीं आने देना। हमारे हर अमल अगर हम देखें और कुरान पाक पढ़ें तो उसमें हर चीज वाज़ेह है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कुरान पाक मैं समझती हूँ कि हर बंदे को उर्दू में पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ अरबी में पढ़ के रख देना नहीं। एक अगर कोई नारा लगाना चाहता है तो लगा ले। पाक फौज जिंदाबाद।
हमारे